हेलो गाइस, वेलकम अवर यूट्यूब चैनल्स। आज हम आपको बताने वाले हैं कि अपने यूएन नंबर से पैन नंबर कैसे लिंक करें। तो हम जाएंगे पहले क्रोम में सर्च बार में सर्च करेंगे पीएफ लिखकर, पीएफ लिखेंगे और सर्च करेंगे तो उसमें फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल क्या आएगा, मेंबर होम पर जाएंगे। उसके बाद मेंबर होम में यूएन नंबर और पासवर्ड डालने के लिए बोलेगा, तो वहाँ पर आप यूएन नंबर डालेंगे। उसके बाद यूएन नंबर मेंशन करने के बाद पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद में कैप्चा मेंशन करेंगे। कैप्चा मेंशन करने के बाद में साइन इन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमारा अकाउंट की डिटेल खुल के आ जाएगी यूएन नंबर की। उसके बाद हम जाएंगे मैनेज में जाएंगे तो मैनेज में कई सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे बेसिक डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, केवाईसी, ई नॉमिनेशन, मार्क एग्जेक्टिव। तो इसमें हमें केवाईसी में जाना है। केवाईसी में जाएंगे, वहाँ पर आपको बैंक, पैन, आधार, पासपोर्ट ये लिंक करने के लिए ऑप्शन होते हैं। तो हमें अभी पैन नंबर लिंक करना है, तो हम करेंगे पैन पर क्लिक। पैन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर डिटेल फिल करने के लिए ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर आपको पैन डिजिट डालने के लिए बोलेगा, तो 10 डिजिट आप हम मेंशन करनी है। मेंशन करने के बाद में आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद में जैसे सेव करेंगे तो उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा केवाईसी पेंडिंग अप्रूवल। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने अभी एक रिक्वेस्ट मेंशन की हुई है पैन नंबर अप्रूव कराने के लिए, तो यहाँ पर अभी अप्रूव नहीं हुआ है। जैसे ही अप्रूव हो जाएगा तो हम अब पेंडिंग में से हटकर, जैसे केवाईसी पेंडिंग फॉर अप्रूवल लिख रहा है यहाँ पर, यहाँ से हटकर अप्रूव्ड केवाईसी के ऑप्शन में यहाँ पर ऐड हो जाएगा। जैसे पहले से बैंक अकाउंट, आधार यहाँ पर लिंक हो रखा है हमारा, जो केवाईसी किया मैंने इससे पहले, तो इसमें ऐड हो रखा है, अप्रूव्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका वहाँ से पेंडिंग से हट के अप्रूव्ड में आ जाएगा। तो हाय गाइस, कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।